हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज संडे है, सुबह हम लोग 8 बजे उठकर लॉन में बैठे रहे, वहीं पर ही ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट ठीक था, सो था। उसके बाद हमारे कुछ फ्रेंड्स, हिडिंबा टेंपल है यहाँ पे, 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, उस ट्रैक को करने गए। हम लोग रात से थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थे, हमारे कुछ फ्रेंड्स ने पार्टी थोड़ी हार्ड करी थी, इसलिए रात को नींद पूरी नहीं हुई थी, तो हमने अपनी थकान उतारी है। अब हम लोग चंबा सिटी एक्सप्लोर करने जाएंगे, लोकल घूमेंगे, वहीं पर ही लंच करेंगे, शाम को फिर से यहाँ पर आएंगे। वैसे ये प्रॉपर्टी नेचर के हिसाब से देखी जाए तो बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे प्रॉपर एक खड्ड कहते हैं यहाँ पे इसको, हमारे लिए नदी समझ लीजिए, प्रॉपर एक नदी है। H2O हाउस का मतलब यहाँ पे आटा बनाने वाली एक चक्की है, जिसमें गेहूं का भी आटा बन जाता है और मक्की का भी आटा बन जाता है। बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, नेचुरल बहुत है, प्रॉपर्टी सब कुछ अच्छा है। पर एक बात मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा, यहाँ आने से पहले गेस्ट के रिव्यूज़ ज़रूर पढ़िएगा। H2O हाउस चंबा में जो हॉस्पिटैलिटी है, जो उनका स्टाफ है, वो इतना एफिशिएंट नहीं है, वो ज़्यादा बड़े ग्रुप को हैंडल नहीं कर सकता। एक दो कपल आए हों उनको ये मैनेज कर लेते हैं, पर जैसे हमारा ग्रुप 13 लोगों का है, ये ग्रुप हैंडल नहीं कर पाता। अदरवाइज़ ठीक है, बाकी का शाम को आपको बताते हैं लोकल घूमने के बाद।
ये पानी है दोस्तों, इन्ने पानी की पावर नाल घराट चल के आ रहा। ये पानी वो है जो घराट नूं चलाउण तों बाद बाहर डिस्पोज ऑफ हो रहा है। सर नमस्कार, मेरा नाम रमेश कुमार है और हम यहाँ चमीनू गांव में, मेरे गांव का नाम चमीनू है जो चंबा डिस्ट्रिक्ट का एक बरौर पंचायत का गांव है। तो हमारा जो है ये चक्की पनचक्की कहते हैं इसको घराट, और ये जो हमारा 200 साल पुराना घराट है, कम से कम 200 साल पुराना घराट है। तो अब जो ये चीज़ें हैं सर, ये चीज़ें सारी खत्म हो गई हैं। तो जो हमारे हिमालयस में कम से कम पहले 20 लाख घराट हुआ करते थे और अभी जो चल रहे हैं कम से कम 15,000 घराट बचे हैं, और आने वाले समय में 15-20 साल में ये चीज़ें जो है सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आजकल का जो नई जनरेशन है वो इस काम को पसंद नहीं करती है। तो सर ये हमारा जो आटा निकल रहा है, ये मक्की है, ये बांदल बल्ली की मक्की मंगाई है हमने। ये जो बीज है ये कम से कम 2,000 साल पुराना बीज है। तो इसका जो आटा है, हमारे गांव के लोग पहाड़ों से होकर आते हैं, जो ट्रैक करके 10-10, 12-12 किलोमीटर से आते हैं और यहां से आटा लेकर अपने गांव पहुंचते हैं। तो हमारा जो है ये काफ़ी दूर तक बाहर तक जाता है आटा, काफ़ी लोग आते हैं हमारे यहां तो आटा लेके जाते हैं, क्योंकि ये जो आटा है बहुत ही अच्छा और खाने के लिए जो है बड़ा ही पौष्टिक, बढ़िया से अच्छा सा आटा होता है। तो आप सर आइए, चमीनू गाँव है, H2O हाउस से लोक मैप H2O हाउस से है, तो आप लेके जाइए। तो धन्यवाद सर।